इस कोरिया रियासत में आई हैं, आए हुए हैं। चूंकि कुमार साहब के बारे में जो दीदी ने बताया, हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं। चूंकि अब उनकी दिनचर्या खाने के, सोने का, घूमने का सारे लोगों को पता है, इस संबंध में मैं ज़्यादा विस्तृत विवरण नहीं देना चाहूँगा। चूंकि एक बहुत लंबा समय मैंने उनके साथ सीखा है, मेरी उम्र उनसे बहुत कम थी, मगर न जाने कुछ लोगों को वो एक अपने हम लोग गार्जियन मानते थे। अगर मैं पिताजी के बाद अगर किसी को गार्जियन माना तो कोरिया कुमार साहब को माना। वो हमें कभी डांटते भी थे, सिखाते भी थे, और न जाने जो भी अपने में हमारे में रही हो, हर वक्त हर समय प्रतिदिन सुबह 7 से 8 के बीच उनका फोन आता था। कभी मैं नहीं लगाऊं तो मुझे डांटते भी थे। तो सब बातें बहुत लंबी रही हैं। चूंकि आज हमारे इस कोरिया राज परिवार की जिम्मेदारी हमारी बहन श्रीमती अंबिका सिंह देव जी के भारों पे है, उनके विचारों से ये पूरी तरह अवगत है। हम कोरियावासी बैकुंठपुर के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और पूरे जिले का, हम एक विधानसभा क्षेत्र की बात न करेंगे, इनकी जिम्मेदारी पूरे कोरिया। उनके हृदय में मेरी जो जगह है, यही मेरी कमाई है, और इन सबको संभाल के रखना, मैं बस वही कर रही हूँ। प्रणाम। आज आप सबसे मैं कुछ और लोगों का परिचय कराना चाहूंगी। स्वर्गीय कुमार साहब के जन्म दिवस पे